हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसका विंटर में इतना शानदार लुक आता है कि मतलब मन खुश कर देने वाला होता है, और जब फ्लावरिंग होती है तभी नहीं, ये जब अपने ग्रोथ वाले पीरियड में होता है तब भी इसकी लीव्स देखिए कितनी खूबसूरत लगती हैं। देखकर आप शायद समझ ही गए हों, नहीं समझे तो बता देती हूँ। ये प्लांट है कॉक्सकॉम, मुर्गी की कलगी जिसे हिंदी में बोला जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको ग्रो करना भी उतना ही आसान है जितना ये देखने में खूबसूरत है। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि लास्ट टू लास्ट ईयर मैं इसके सीड अपने पड़ोस में से लेकर आई थी और मैंने जस्ट लगकर स्प्रिंकल कर दिए थे, और उसके बाद ये नेक्स्ट सीज़न जब इसका सीज़न आया आफ्टर 3-4 मंथ मेरे पास खूब सारे ये प्लांट्स हो गए थे। तो एक चीज़ जो समझ में आई कि इसके सीड तो स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर सॉइल में गिर रहे हैं वहाँ पर इतनी सारी क्वान्टिटी में आपके प्लांट्स रेडी हो जाएंगे कि आपको अड़ोस पड़ोस में बांटने पड़ेंगे। मैं तो अपने पौधे वाले भैया को जैसे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, उन्हें निकाल निकाल के देती रहती हूँ, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये प्लांट कभी ख़त्म ही नहीं होता। देखिए, ये फ्लावरिंग ख़त्म हुई, उसके बाद में जहाँ जहाँ सीड्स गिरे वहाँ पर ये प्लांट्स निकल आए थोड़े दिनों बाद ही, और अभी देखिए अपने पूरे ग्रोथ वाले पीरियड में आई है और कितने खूबसूरत कॉलियस की तरह इसका फॉलियज आता है। देखिए इस तरीके से इसका जो स्टेम है ना, रानी कलर का निकल के आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप या तो कहीं से छोटी छोटी सी अगर आपको पौध मिल जाए तो ले सकते हैं नर्सरी वाले भैया से, अभी लाकर लगा लीजिए। क्योंकि ये जो मेरा पर्सनल लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है कि ये पूरे साल आपको मतलब जब तक विंटर में जब तक इसके फ्लावर्स नहीं आएंगे तब तक ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में, और बहुत ही आसानी से जैसे मैंने बताया कि लग जाता है, इसके सीड्स निकलते हैं। देखिए अगर निकल आते हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये लास्ट ईयर का ही ये दोबारा सीड जब गिरे थे उसके बाद एक ये पॉली बैग में निकल आया था, और ये देखिए इस पर फ्लावरिंग पर वो कलर नहीं आते हैं जो विंटर्स में आते हैं, और इसके अंदर ही इसके ब्लैक कलर के सीड्स बनते हैं छोटे छोटे से। देखिए जस्ट इतना छोटा सा सीड होता है, कहीं भी जहाँ भी गिरेगा वहीं पर नया जो प्लांट है वो रेडी हो जाता है, तो इसको लगाना बहुत आसान है। अब देखिए मैं अगर सॉइल की बात करूँ, आपके साथ हर बार एक चीज़ शेयर करती हूँ, सॉइल में देखिए ना मैं कोई परलाइट मिलाती ना ही मैं कोकोपीट मिलाती, मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, और उसके अंदर जो मैं लीफ कंपोस्ट और अपना किचन कंपोस्ट बनाती हूँ वो मिक्स करती हूँ और उसके बाद प्लांट लगा देती हूँ। पॉट फिलिंग का वीडियो देख लीजिएगा किस तरीके से पॉट फिल करती हूँ। उसके बाद मैं लिक्विड मैन्योर जैसे आपके साथ हमेशा शेयर किया है, फिर ना मैं नराई करती ना गुड़ाई करती, जब तक प्लांट नेक्स्ट उसमें नहीं आ जाता है अपने ख़त्म होने में तब तक मैं उसको सिर्फ लिक्विड खाद जो बनाती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनाती हूँ अपने घर में, वही मैं इनको फीड कराती हूँ। तो ये कोई इसकी केयर टिप्स इसकी जो है, मैं लास्ट ईयर भी परेशान रही थी और अभी देखिए फिर से स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर इसकी लीव्स को खाने के लिए छोटे छोटे से लट टाइप के छोटी छोटी सी हो जाती हैं इसके ऊपर, लास्ट ईयर भी उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था और अभी देख रहे होंगे आप छोटे छोटे से इनके ऊपर होल्स हो रखे हैं। तो ये होल्स नेचुरल नहीं है, ये उन्हीं जो कीड़े हैं उन्होंने खाए हैं इनको, अचानक से आते हैं वो और एकदम से खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तो मैंने नीम स्प्रे कर दिया है तो गायब हो गए हैं, नहीं तो वो बार बार अटैक करते रहते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, और उसके लिए आपको इस पर स्प्रे करना पड़ेगा। मेरे आते हैं इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी कोई केयर टिप नहीं है। मैं दोनों टाइम इसको पानी डालती हूँ, फुल सनलाइट में रखा रहता है, सुबह से लेके 3-4 बजे तक की इस पर सनलाइट पड़ती है और फॉलेज इसका बहुत सुंदर आता है। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी आई थिंक इसको लगाएंगे ना तो भी ये बहुत अच्छे से चलेगा, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में ये प्लांट नहीं है तो बहुत ही इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन प्लांट है, आप इसको ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये ग्रीनरी तो देगा ही देगा, साथ में इसके जो कि कलरफुल फॉलीज है बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट के सीड्स भी मार्केट में आपको मिल जाएंगे कलरफुल, और कई वेराइटीज़ में भी आता है, तो आप इसको लाकर लगाइए। बस यही था आज का मैसेज, खूब सारी ग्रीनरी करिए अपने घर में, एक बड़ा पेड़ ज़रूर लगाइए, और क्योंकि प्लांटेशन अब हमारी ज़रूरत बन चुका है, हमें करना ही पड़ेगा अपनी अर्थ को सेव करने के लिए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर,
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे बड़े प्लांट रेडी हो रहे हैं, ये बरगद के, पीपल के, आपको पता ही है मैं लगाती रहती हूँ इनको सैपलिंग्स को लाकर। तो बस आप लोग भी एक एक बड़ा पेड़ लगाने की कोशिश करिए कि कहीं भी जगह खाली हो तो आप एक बड़ा पेड़ ज़रूर लगाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। थैंक यू।